अब हमारे साथ क्षेत्र की एक महिला है जो कि काफी अनुभवशाली हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले माता जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। के कहूं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नगर क्षेत्र के कुहाड़ वार्ड 68 से एमसीडी चुनाव की सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है महिला पूनम बेनीवाल का नाम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर अब ये समाज सेविका से राजनीति के क्षेत्र में उतरी हैं। पूनम ने बहुत ही कम समय में अपने क्षेत्र के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर व प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर के संरक्षण में कई सारे कार्य किए और करवाए हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता ने, आइए सुनते हैं क्या कहा पूनम बेनीवाल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात, और मैं हूं आपके साथ मानसी। शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये चंद पंक्तियां आज की हमारी जो मेहमान हैं उन पर सटीक बैठती हैं। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं पूनम बेनीवाल जी, तो आइए मुलाकात करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद मैम। जैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, सभी उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी उत्सुक हैं। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपका नाम जो है वो टॉप टू में लिया जा रहा है, कैसा लगता है आपको? देखिए मैम, अच्छा तो लगेगा ही जी, क्योंकि मैंने लोगों की समस्याओं को समझा है, सुना है, एक परिवार के जैसे अपने वार्ड को समझा है जी। चाहे उसमें महिलाओं की समस्या हो, बच्चों की हो, या बुजुर्गों की हो, या पुरुषों की हो जी। तो बहुत अच्छे तरीके से हम समझते आए हैं और आगे भी समझते रहेंगे, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे अपना परिवार समझ के जी। जैसे मैम आपने अभी समस्याओं की बात की, तो कुहाड़ 68N में अगर समस्याओं को तीन भागों में बांटा जाए तो कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आप जिन्हें हल करना चाहेंगी? मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे, मतलब 15 साल से बीजेपी एमसीडी में बैठी हुई है, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़े बड़े कर रही है, तो भ्रष्टाचार पे ही हम सबसे पहले बात करेंगे। साफ सफाई की बात हम बाद में करते हैं, पहले भ्रष्टाचार साफ करेंगे, आप एक तरह से बोल सकते हैं उसकी जी, पहले भ्रष्टाचार पे झाड़ू चलाएंगे, उसके बाद हम साफ सफाई की बात करेंगे। उसके लिए तो झाड़ू चलाएंगे ही, लेकिन भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे हम। कल ही मेरी मुलाकात हुई, फ्रूट मार्केट है हमारे यहाँ पे मेन रोड पे, तो गरीब आदमी हैं बेचारे, पता नहीं कैसे अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं, तो उनसे मंथली 5,000 रुपये ये लोग लेते हैं एमसीडी वाले, और पुलिस वाले एक्स्ट्रा लेते हैं आके। तो ये देखिए, वो 5,000 उनको एमसीडी वालों को देते हैं, पुलिस वालों का मुझे नहीं पता कितना लेते हैं। तो ये देखिए, वो अपना पेट पालेंगे या इनका घर भरेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले इसको, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और बाकी नालियों की सफाई है, नालियाँ सारी ओवर फ्लो रखी हैं, रोडों पर ब्लॉकेज हो रखी है, कहीं रेहड़ी लगी हुई है, कहीं कुछ लगा हुआ है, तो सबसे पहले उनको क्लियर करेंगे हम जी। मैम, जैसे लोगों का विश्वास आप पर बना हुआ है और समर्थन भी काफ़ी आपको मिल रहा है, महिला हो या पुरुष का समर्थन, सबका समर्थन आपको मिल रहा है, तो कैसा लगता है आपको? मैम, बहुत अच्छा लगता है। जैसे पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हम पूरी दिल्ली की बात नहीं करते, ना अपने वार्ड की बात करते, हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र के हम साथ हैं, पूरा राष्ट्र हमारे साथ है जी। और जैसे एजुकेशन पे अरविंद जी ने फोकस किया है, तो अपने क्षेत्र में भी हम ऐसे ही महिला सुरक्षा को लेके, बच्चों की एजुकेशन को लेके, कोई फाइनेंशियली वीक है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे एजुकेशन को लेके, और हेल्थ को, हम हेल्थ को आगे लेके आएंगे। वहीं जनरल सीट हो जाने के बावजूद भी लोग पूनम बेनीवाल को अपने निगम पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। अब हमारे साथ क्षेत्र की एक महिला है जो कि काफी अनुभवशाली हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले माता जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैम कौर। अब अगर बात करें चुनाव की, जैसे चुनाव आ रहे हैं माता जी, तो किसे सपोर्ट कर रही हैं आप? भाई पूनम को देंगे। पूनम को वोट दोगी तो, लेकिन क्यों दोगी वोट, क्या ऐसी खास बात है उनमें? भाई गांव की इज्जत है, गांव की इज्जत है। अगर बात करें माता जी, जो आप पूनम बेनीवाल जी हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या ऐसी उनमें खूबियां हैं, उनमें देखती है कि आप कह रही हैं कि मैं उन्हीं ही वोट दूंगी? हाँ, किस वजह से माता जी? इस वजह से देंगे, भाई गांव की इज्जत बताई थी मैंने। अच्छा, बेटी है जी गांव की जी, ठीक है, इसीलिए पूरा सपोर्ट करेंगी आप उनको। हाँ, वार्ड नंबर 68N में है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। मैम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। बबीता। मैम
अब मैं बात करूं अगर पार्टी को सपोर्ट की, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं? आम आदमी पार्टी को। अगर मैं बात करूं मैम चेहरे की, तो किस चेहरे को सपोर्ट करेंगी आप? पूनम बेनीवाल को। मैम पूछू क्यों, किस वजह से उनको अगर आप सपोर्ट करेंगी, तो मैं ये जानना चाहूंगी। अरे हमारे जो बीच में पूनम बेनीवाल का जो हम चाह रहे हैं, वो पूनम बेनीवाल ऐसी लेडी हैं जिसको हम मतलब देखना चाहते हैं और लाना चाहते हैं। इतनी स्पोर्टी लेडी और इतना हर चीज में आगे आने वाली लेडीज, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। प्रीति। मैम जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? आम आदमी पार्टी को। अगर मैम मैं बात करूं चेहरे की, क्योंकि ये जो सीट है ये जनरल सीट हो गई है, तो पुरुष भी इसमें चुनाव लड़ सकते हैं और महिला भी, तो अगर मैं बात करूं तो आप किसको समर्थन अपना देंगी? पूनम बेनीवाल जी को। मैम अगर बात करूं पूनम बेनीवाल जी की, तो आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है उनमें कि आप अपना समर्थन उन्हें दे रही हैं? पूनम बेनीवाल जी काफ़ी सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर रही हैं जी, और उनका हम पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि वो हर एक गतिविधियों में तो मतलब सहयोग करती हैं महिलाओं का, और उनको काफ़ी समझ भी है और काफ़ी एक्टिव और समझदार लेडी हैं जी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। शमशेर सिंह बेनीवाल जी। सर जैसे आप पूनम बेनीवाल जी के हस्बैंड हैं, तो उनको इतना समर्थन मिल रहा है लोगों को, तो कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है जी। और अगर सर बात करें उनमें खूबियां की, लोग उन्हें समर्थन इतना दे रहे हैं, उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो लोग उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं? खूबियां तो बहुत हैं जी जी, आप किसी को भी भेज लो या फोन पे भी बात करके देख लो, वो उसी वक्त काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भी किसकी क्या समस्या है जी। कोई ट्राई भी कर सकता है जी, जी। मतलब वो हर काम के लिए अग्रसर रहती है, किसी का कैसा ही भी काम हो जी। कोई भी तकलीफ परेशानी कुछ भी हो, वो जबी के जबी तैयार है जी। कह सकते हैं हेल्पिंग नेचर की है हमारी नेचर है जी। हाँ जी, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, सोशल कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं जी। मतलब कि किसी का दुख नहीं देख सकती है जी, काफी सॉफ्ट हृदय की है। कोई भी इनके पास काम के लिए आगा ना तो है ही नहीं जी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम रविंद्र बेनीवाल है और मैं पीतमपुरा निवासी हूं जी। सर यहां पे जैसे चुनाव की जो वो सरगर्मियां हैं काफी तेज हो चुकी हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए पहले हमने बहुत पार्टियां देखी है, अब नई पार्टी देखना चाहते हैं आम आदमी को जी, आम आदमी पार्टी को। अगर सर बात करें चेहरे की, तो अब जो निगम पार्षद के चुनाव के दावेदार हैं, उन चेहरों में आप किसे देखना चाहते हैं? हम सबसे पहले पूनम बेनीवाल को देखना चाहते हैं जी। सर अगर बात करूं पूनम बेनीवाल जी की, तो आप उन्हें समर्थन अपना क्यों दे रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है उनमें जो आप अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं? देखिए नया चेहरा है जी, पहली बात, और दूसरी बात नई पार्टी है जो अब एमसीडी में आने वाली है जी। हम चाहते हैं कि एमसीडी में नई पार्टी आए, आम आदमी आए। सर अब मैं बात करूं पूनम बेनीवाल जी की, जैसे आपने बोला समर्थन उनको देंगे, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सोचते हैं कि भाई वो पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं और वो ही आए हमारे क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र की समस्याएं वो जानते हैं, अवगत है, और समस्याओं का जो है समाधान करेंगे जी। अब हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी के लोग हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैम जैसे चुनाव की प्रक्रिया अभी चालू हो गई है, लोग अपनी अपनी पार्टी को लेकर समर्थन दे रहे हैं, तो आप किसे समर्थन दे रही हैं अपना? मैं आम आदमी पार्टी को समर्थन, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही। अगर मैं बात करूं मैम चेहरे की, तो आप किस चेहरे को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये जो सीट है ये जनरल सीट हो चुकी है, कोई पुरुष भी इस पे चुनाव लड़ सकता है और महिला भी, तो आप किसे समर्थन अपना दे रही हैं? मैं अपना समर्थन पूनम बेनीवाल जी को देना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं मैम क्यों देना चाहेंगी आप अपना सपोर्ट पूरा उन्हें? क्योंकि वो यहाँ की एक ऐसी लेडी हैं जो यहाँ पे सबकी हेल्प करने के लिए कभी भी अवेलेबल रहती है, कभी भी हमें कोई दिक्कत आए हम उनके आगे जा सकते हैं। वो हमेशा कभी भी किसी चीज़ को छोटा काम बड़ा काम नहीं समझती है, वो समझते हैं कि काम है तो मैं अपने जी जान लगा दूँ उसको काम को करने के लिए, तो कोई भी काम हो जैसे सफाई किसी भी रिलेटेड, तो हमेशा वो आगे से बढ़कर आगे काम करना चाहती है। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम तृप्ति है। मैम जैसे अब चुनाव चालू हो गए हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ मैम चेहरे की, तो किस चेहरे को सपोर्ट कर रही हैं आप?
मैं पूनम बेनीवाल को सपोर्ट कर रही हूँ, वो हमारे क्षेत्र से खड़ी हो रही हैं जी। अगर मैं बात करूँ, मैम पूनम बेनीवाल को ही क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप? क्योंकि ये तो सीट है, ये जनरल सीट है, महिला भी लड़ सकती है चुनाव, पुरुष भी लड़ सकता है, तो पूनम बेनीवाल जी में आप ऐसी क्या खूबियाँ देख रही हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं? खूबियाँ तो उनमें बहुत है जी, और सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो सबसे ज़्यादा सोशली एक्टिव है। वो कभी ये नहीं समझती हैं कि ये इस काम के तरफ जाना है या उस काम की तरफ जाना है। वो इतने, मतलब मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद बोला कि अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रोटेक्शन की या कभी भी महिलाओं की किसी भी समस्या की, जैसे बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जैसे मैं अपने किसी पारिवारिक लोगों को नहीं बता पाती, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे पास आके कभी भी, अगर तेरे को, जैसे मैं शाम को, आप जानते हैं कि आज के युवा है ऑफिस जाते हैं, उन्होंने हमें स्पेशली बोला कि अगर तेरे को कभी शाम को कोई दिक्कत हो मुझे बताना जी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों के साथ क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र से पूनम बेनीवाल ही खड़ी हो। कह सकते हैं कि जो महिला की सुरक्षा पर भी वो ध्यान देती हैं जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने दिया है जी। वहीं आप पार्टी जिस तरह से पंजाब में अपनी पकड़ बना रही है, उसे लेकर पूनम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जैसे मैम, पंजाब की जो राजनीति है उसमें आम आदमी पार्टी का वर्चस्व फहराने वाला है, या कह सकते हैं लहराने वाला है एक तरह से, तो आपको क्या लगता है इस पर? मैम देखिए, आम आदमी पार्टी की एजुकेशन अगर विदेशों में मॉडल बन के जा सकती है तो हम कहेंगे पंजाब तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और पंजाब को हम जीत के लेके आएंगे और उस बहुत बड़ा परचम लहराएंगे। उसके बाद अन्य राज्यों में भी काफ़ी उम्मीदें हैं हम जी। लास्ट में मैम एक संदेश चाहेंगे आपसे हम जी। सबसे पहले मैं वार्ड के लोगों को नहीं, अरविंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने जितेंद्र तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्रीति जितेंद्र तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे लेके आए, क्योंकि जब तक देखो मेन मुद्दा होता है कुर्सी का, और जब तक कुर्सी हासिल नहीं होती, लोगों के हाथ में कितनी पावर, हम कितनी सोशल एक्टिविटी करते रहे, कहीं ना कहीं उसमें डिपार्टमेंटली अड़ंगे अड़ाए जाते हैं जी जी। तो अगर हमारे पास एक कुर्सी की पावर होगी तो हम और बेहतर काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात, बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।